उत्तर प्रदेश के बरेली में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन और भाजपा नेता शेर अली जाफरी और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी समाजवादी पार्टी का नेता डॉक्टर विजय शर्मा फरार है। ये सभी गैंग बनाकर छात्रों से ठगी किया करते थे। जालसाज शेर अली जाफरी और उसका बेटा फिरोज जाफरी ने डी फार्मा के फर्जी सर्टिफिकेट देकर 379 छात्रों से करीब 4 करोड़ रुपए ठग लिए। शेर अली जाफरी खुसरो डिग्री कॉलेज का चेयरमैन है और इसने अपने काले कारनामों को दबाने के लिए खुसरो मेल नाम से अखबार भी चला रखा है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले ही शेर अली जाफरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी ताकि पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही न करे। वहीं इस मामले में छात्रों ने थाने से लेकर डीएम और एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया, जिसके बाद शेर अली जाफरी, उसका बेटा, कॉलेज का प्रिंसिपल और समाजवादी पार्टी का नेता डॉक्टर विजय शर्मा के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने शेर अली जाफरी से पूछताछ की और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल हो गया मैं डी फार्मा कर रहा हूं, 2 साल का डिप्लोमा था, 4 साल लगा दिए और फर्जी मार्कशीट हमें थमा दिया था हमारे। सबके 2,30,000 रुपए फंसे हुए हैं, कम से कम 391 हैं जिसमें डी फार्मा वाले। काफी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र है, मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। इसी के अंतर्गत इस प्रकरण में जो संचालक है खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक किए जा चुके हैं छात्रों द्वारा, और उन्हीं का संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।